आपका भाई साहब को मौका दीजिए। आज वेटरनरी पॉलीक्लिनिक की ओर से झाड़ लगाने का एक कार्यक्रम मनियार तालीम में स्टार्ट हुआ है। मैं इस मौके पे सभी ऑफिसर्स को और यहाँ के स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आजकल के माहौल में पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आए दिन नए नए वायरसेस आ रहे हैं, लोगों को जो है ना तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज देश में ऐसा वातावरण हो गया है कि झाड़ों की कमी है। तो मैं इस मौके पे तमाम सोसाइटी के लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अपने एरियों में झाड़ लगाने का काम करें, सबकी सेहत अच्छी रहेगी, सभी हेल्दी रहेंगे। तो लास्ट ईयर भी जिस तरह से जो है यहाँ पे कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज़ किए थे, ये बार भी जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से झाड़ लगाने का कार्यक्रम हुआ है। मैं बिदर के सभी वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिदर में जहाँ जहाँ भी मौका मिले अपने अपने एरियों में झाड़ लगाएं, सभी हेल्दी रहें। शुक्रिया। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार भूरे, डीडी पॉलीक्लिनिक। आज के जो झाड़ लगाने का कार्यक्रम को हमारा माजी नगर सभा सदस्य श्री इरशाद अली आके इसको बहुत शोभा दिया है। उन्हें बहुत ही एक एक्टिव ये है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और मैं उन्हें एक मिसाल बनना चाहिए मेरे बीदर डिस्ट्रिक्ट में। इरशाद अली एक मिसाल बनना चाहिए झाड़ के बारे में, मेरा रिक्वेस्ट है उनको। सो इस ये कार्यक्रम उन्हें अभी आगे चलाएगा बोलकर मेरा इरादा है। थैंक यू वेरी मच। हिंदी हिंदी मने गंदु मर ऊरी गंदु वन अंदे ನಮ್ಮ ಇರ್ಷಾದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆಗಿರ್ತಾರಂತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ದಿನ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಇರ್ಷಾದ್ ಅಲಿ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಲ್ ಅವರು ಹೋದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ.